सो माई फ्रेंड्स फाइनली बी एड सी टी को लेकर वो डेट आ चुकी है जिसके बाद आपको एडमिशंस नहीं मिलने वाले सो एक्सटेंडेड इंस्टीट्यूट एडमिशन राउंड मेरिट लिस्ट हैज़ बिन पब्लिश और उसको चेक करने के लिए आपको कहाँ आना होगा गाइस जस्ट क्लिक ओवर यर मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ क्लिक करने वाले हो देन आप अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने वाले हो दे आफ्टर द कॉलेजेस जैसे मैं यहाँ अभी बी को सेलेक्ट कर रहा हूँ शो मेरिट लिस्ट देन बी टी की ये मेरिट लिस्ट है बट नाउ यहाँ जो स्टूडेंट्स इनरोल है वो दोनों है गाइज जो एक्सटेंडेड इंटर ऐसी मेरिट लिस्ट आउट हुई थी वो भी और राउंड थ्री की मेरिट लिस्ट वो भी नाउ इनमें से कौन से स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है या फिर नहीं लिया है और अब कितनी वैकेंसी बची हुई है इसके बारे में जानने के लिए गाइज आपको क्या करना होगा जस्ट कम ओवर गई चेक अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट ओके यहाँ राउंड वन राउंड टू ये दोनों अलॉटमेंट आपको मिल सकते हैं ठीक है राउंड वन के अलॉटमेंट हो चुके हैं राउंड टू में अलॉटमेंट हो चुका है राउंड थ्री को लेकर अलॉटमेंट किसे किसे मिल चुका है एडमिशन वो अभी तक किसी कॉलेज ने पब्लिश नहीं किया है लेट्स सी हंसराज जीवन दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन शो मेरिट लिस्ट देन नो अलॉटमेंट फाउंड फॉर गिवन सिलेक्शन ओके दे आफ्टर जो राउंड थ्री इंटर एसी मेरिट लिस्ट है एक्सटेंडेड यहां भी स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है राइट right? क्योंकि एक्सटेंडेड डेट थी और काफी सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला था दे आफ्टर उन्होंने जब सेलेक्ट किया अब यहां मैं अगेन हंसराज जीवनदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ शो अलॉटमेंट लिस्ट देन ऑल्सो इट सेज नो अलॉटमेंट फाउंड फॉर गिवन सिलेक्शन एंड वाई बिकॉज फ्रेंड्स करेंट वैकेंसी रिपोर्ट जब आपने देखी है यहाँ अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लो दे आफ्टर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस अब मैं यहाँ बी डी टी सी को सेलेक्ट कर रहा हूँ शो वैकेंसी देन यह वैकेंसी मुझे अब इंग्लिश को लेकर माइनॉरिटी कैंडिडेट ओनली टू सीट्स आते हैं। इकोनॉमिक्स ओ कैटेगरी को लेकर वन सीट इस दे। ओके थ्री सीट्स आर वैकेंट हियर। कंप्यूटर आई इंजीनियरिंग माइनॉरिटी कैंडिडेट टू नाउ इट्स फाइव एंड वन माइनॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड मेडिकल साइंस सिक्स सीट्स आ वैकेंट दें नाओ आपको क्या करना है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यह जो मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है कि आप कौन सी पर्टिकुलर पोजिशन पर आ रहे हो राइट right? अब ये मेरिट लिस्ट में आप अगर सिक्स नंबर पर हो सिक्स आते हैं, अब यहाँ ओपन कैटेगरी को लेकर सारी सीट्स है कुछ ओबीसी को लेकर है राइट अगेन ओपन ओके एंड दे आफ्टर ओ के भी कैंडिडेट रहेंगे सो so, अगर ओ का कोई कैंडिडेट है तो वो ट्राई कर सकता है क्योंकि एक सीट अभी भी वहाँ वैकेंट है चाहे आपका मेरिट थर्टीन क्यों ना हो बट द कंडीशन इज यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर कॉलेज राइट अब यहाँ जो है वो बी कॉम कॉमर्स अकाउंटेंसी को लेकर है वहाँ वैकेंसी थी इकोनॉमिक्स को लेकर राइट right? सो so, बी कॉम आपने सेलेक्ट किया है आप जा सकते हो उसके लिए बट यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कंडीशन इज दिस ओके गाइज नाउ सेम है आई एम सेग कि इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट अभी भी नहीं दिखा रहा है एंड वाई सो हेयर इज द अपडेटेड एक्सटेंडेड नोटिस एंड इट से इज अकॉर्डिंग टू दिस ट्वेंटी एट फेब इज द लास्ट डेट द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन दैट मीन्स यहां आपको एडमिशन ले लेना है क्योंकि देखो कैंडिडेट्स रिपोर्ट टू कॉलेज ये जो प्रोसेस था पहले 23 थ्री टू ट्वेंटी सिक्स था एंड दे आफ्टर कट ऑफ डेट थी 28 एट okay? ओके अब यहाँ आपको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विजिट करना था और एडमिशन लेना था नाउ इट इज चेंज और अपडेट होने के बाद भी जो आपकी फाइनल डेट है वो 28 ही है इसी को इसको एक्सटेंड नहीं किया सो ट्वेंटी एट तो ऑफेप यह कॉलेज एंड डिपार्टमेंट टू जनरेट मेरिट लिस्ट ऑफ अनएडमिटेड कैंडिडेट्स एंड एडमिट कैंडिडेट्स आफ्टर ड्यू वेरीफिकेशन सो आज आपका लास्ट डेट है गाइज यहाँ आपको विजिट करना है आज विजिट नहीं करोगे देन अगेन यू हैव टू ट्राई इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू फॉर द महाराष्ट्र बी एड सी टी अगेन आपको बी एड सी टी क्रैक करनी होगी एंड अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के लिए वापस प्रेफरेंसेस देने होंगे एंड दैट इज इन दी राउंड सो राइट नाउ गाइज डोंट वेस्ट योर वन ईयर दिस इज द लास्ट डेट ट्वेंटी एट्थ ऑफ फेब ओके okay, आज अपने जितने भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है अगर आप मेरिट में कोई भी नंबर पर आ रहे हो फाइनली आपको विजिट करना है अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट इफ़ सीट्स आप फाइव दें और आप फिफ्टीन नंबर पर हो देन आल्सो ट्राई टू विजिट दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट क्योंकि हर कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए ट्राई तो कर सकता है लेकिन हर कोई स्टूडेंट वहाँ एडमिशन लेने के लिए आएगा नहीं ओके okay? क्योंकि उसने बहुत सारे प्रेफरेंसेस और भी दिए मानो यहाँ पाँच वैकेंसी है एक्स कॉलेज में वाई में यहाँ टेन वैकेंसीज है ओके okay? जेड में यहाँ टू वैकेंसीज है ओके okay? नाउ अब यहाँ आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप फिफ्टीन नंबर पर आ रहे हो यहाँ आप फिफ्टीन नंबर पर आ रहे हो और यहाँ आप टेन नंबर पर आ रहे हो ओके okay? चांसेस भले कम है बट आपको विजिट करना है ताकि आपको वहाँ एडमिशन मिल सके ओके okay? गाय सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाओ एंड वेरीफाई कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड देन गेट एडमिशन इन योर डिजायर्ड

अनदर वीडियो ऑन द सेम अगर आपको टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री के लिए प्रिपरेशन करना है देन जॉइन अवर क्लासेस ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर एंड यू कैन इंट्रेक्ट लाइव विद वी हैव स्टार्टड क्लास रूम कोचिंग एट मुंबई सो कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर एंड बुक योर सीट एट बोरीवली वसई एंड दादा सेंटर फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन फॉलो अर सोल मीडिया हैंडल सच एज यूट्यूब फेसबुक इंस्टा एंड यू कैन ऑलो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप दट्स ऑल गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर सी ओन द नेक्स्ट वीडियो